हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें, जो अभी अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अफगानिस्तान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अहम बैठक। जी हां दोस्तों, राजनाथ सिंह साथ अजीत डोभाल भी हुए शामिल। बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, बताएंगे क्या निकल रहा है निष्कर्ष अफगानिस्तान को लेकर, और क्यों बुलाई गई है ये इमरजेंसी बैठक मोदी जी द्वारा। जी हां दोस्तों, साथ ही अगली खबर में आपको बताएंगे, जहां पर तालिबान के कब्जे के दावे पर गर्जे पंजशीर के योद्धा, कह दी बड़ी बात, कहा अजय है हमारे लड़ाके, खून की आखिरी बूंद तक लड़ेंगे। जी हां दोस्तों, इनके पंजशीर की स्थिति आपको बताएंगे दोस्तों, अभी का क्या है वहां का खबर। साथ ही अहमद मसूद का बड़ा दावा, एनआरएफ ने पंजशीर में मार गिराया पाकिस्तान का फाइटर जेट, दिखाएंगे दोस्तों पहाड़ियों के बीच गिरा हुआ ये फाइटर जेट पाकिस्तानी। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है, जानकारी देंगे हम आपको। साथ ही बताएंगे, जहां पर अफगानिस्तान में नई सरकार के साथ साथ झंडा भी क्या नया होगा, और राष्ट्रगान को भी बदला जाएगा दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है तालिबानियों को लेकर। साथ ही चाइना ने ताइवान में कर दी है बड़ी घुसपैठ। जी हां दोस्तों, 19 सैन्य विमानों ने हवाई क्षेत्र में भरी है उड़ान, उसके बाद ताइवान का क्या रहा रिएक्शन दोस्तों, बताएंगे आपको। साथ ही आगे बताएंगे, जहां पर इसराइल पर बड़ा आतंकी हमला होने का खतरा है दोस्तों, बताएंगे कैसे हाई सिक्योरिटी वाली जेल से भाग गए 6 खूंखार आतंकवादी कैदी। जी हां दोस्तों, साथ ही पंजशीर में पाकिस्तानी घुसपैठ पर भड़क उठा ईरान, और तालिबान के लिए मिलिट्री हेलीकॉप्टर उतारने पर कर दी है जांच की मांग, बड़ी खबर। जिसके बाद आपको बताएंगे तालिबान ने ईरान की बातों का कैसे जवाब दिया है दोस्तों। साथ ही आपको बताएंगे, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 16,488 घरों के निर्माण को मिल गई है मंजूरी, आप भी फटाफट कर सकते हैं आवेदन दोस्तों, इसकी बड़ी जानकारी देने वाले हम आपको। साथ ही आज करनाल में किसानों के प्रदर्शन होने वाला है, जिसमें धारा 144 लगा दिया गया है दोस्तों। साथ ही बड़ी बात सरकार की तरफ से कह दी गई है इस धरने को लेकर, तो हर तरह की खबर आपको बताएंगे, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और हमेशा की तरह, अगर आप भी मानते हैं कि अपने भारतीय सेना में वो शौर्य ताकत बल क्षमता है जो किसी अन्य देश की सेना में नहीं है दोस्तों, साथ ही मोदी जी तो हर चीज संभव है, और इस कोरोना काल में डॉक्टर ही सबसे बड़े रक्षक है, तो फटाफट से वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर अफगानिस्तान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अहम बैठक, राजस्थान और अजीत डोभाल भी हुए हैं शामिल। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान में तेजी से बदलती स्थिति पर चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात कर रहे हैं दोस्तों। तालिबान का देश पर पूर्ण नियंत्रण और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI प्रमुख की काबुल में उपस्थिति के दावों के बीच शीर्ष नेतृत्व की यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है। बैठक में विदेश मंत्री SJ और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद है दोस्तों। बता दें कि अफगानिस्तान में विकसित हो रहे हालात को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की तात्कालिक प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक उच्च स्तरीय समूह का गठन किया था। सूत्रों ने कहा है कि समूह में विदेश मंत्री SJ, श्री अजीत डोभाल और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। समूह अफगानिस्तान में जमीनी स्थिति और उस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं की निगरानी कर रही है। जी हां दोस्तों, साथ ही आपको बता दें, चर्चा तालिबान के साथ जुड़ाव पर केंद्रित होने की उम्मीद है दोस्तों। तालिबान द्वारा काबुल पर नियंत्रण करने की 3 सप्ताह से अधिक समय बाद भी सरकार के गठन पर कोई स्पष्टता नहीं आई, और ऐसे में प्रधानमंत्री का दोस्तों अफगानिस्तान को लेकर यह अहम बैठक बुलाना बड़ा संकेत हो सकता है दोस्तों, और भारत कोई ना कोई बहुत बड़ा कदम उठा सकता है अफगानिस्तान में तालिबान को लेकर। जी हां दोस्तों, इसीलिए चैनल पर नए हैं दोस्तों तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जैसे ही इस मीटिंग से जुड़ी कोई भी खबर आती है सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों। साथ ही अगली खबर की बात करें तो अजय है हमारे लड़ाके, खून की आखिरी बूंद तक लड़ेंगे। जी हां दोस्तों, ऐसा हम नहीं, तालिबान के कब्जे के दावे पर गर्जे पंजशीर के योद्धा ने ये बात कही है दोस्तों। बता दें, तालिबान ने भले ही पंजशीर पर कब्जे का दावा किया हो, लेकिन उससे लोहा लेने वाले नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स के नेता अहमद मसूद ने इसे खारिज करते हुए कहा है कि तालिबान के खिलाफ जंग जारी रहेगी, हम अजय हैं और तालिबान के खिलाफ आखिरी बूंद तक हमारे लड़ाके
के जंग करेंगे। मसूद ने कहा है कि मैं अपने खून की आखिरी बूंद तक तालिबान से लड़ता रहूंगा। उनका ये बयान दोस्तों तालिबान के दावे के कुछ ही घंटों के बाद आया है, जिसमें उसने कहा था कि पंजशीर पर उन्होंने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है दोस्तों। और ऐसे में अहमद मसूद ने तुरंत फेसबुक पर पोस्ट डाला है दोस्तों, और ट्विटर पर पोस्ट डालते हुए कहा है कि पंजशीर को लेकर तालिबानी भ्रम फैला रहे हैं पूरी दुनिया में और जताने की कोशिश कर रहे हैं कि पंजशीर को उन्होंने पूरी तरह से कब्जा लिया है, लेकिन उनको ये सपना देखना छोड़ देना चाहिए। पंजशीर मात्र हमारा जगह है और हम इस पर राज करेंगे, कोई दूसरा करेगा तो हम दुनिया में ही नहीं रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, बड़ी बात कह दी गई है दोस्तों अहमद मसूद की तरफ से। आपको बता दें कि पंजशीर में तालिबान के हमलों के पीछे है पाकिस्तान का हाथ। रेजिस्टेंस फोर्सेस के लीडर अहमद मसूद ने यह दावा किया है। दरअसल अपने इन ट्वीट्स में मसूद ने दावा किया है कि पंजशीर में तालिबान के पीछे पाकिस्तान और ISI का सपोर्ट है। मसूद का दावा है कि पंजशीर में तालिबान के साथ पाकिस्तान भी बमबारी में शामिल है। उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि ऐसी ही एक बमबारी में फहीम दस्ती और मसूद के अन्य फैमिली मेंबर्स की जान जा चुकी है। मसूद ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के पंजशीर में सीधे हमले कर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय चुपचाप बैठकर देख रहा है। जी हाँ दोस्तों, तालिबान में दम नहीं है, पाकिस्तान के दम पर इतरा रहा है तालिबान। जी हाँ दोस्तों, बता दें मसूद ने ट्विटर पर लिखा है कि असल में यहाँ पर तालिबान की नहीं लड़ाई हो रही है, ये पाकिस्तान और ISI है जो उसे समर्थन दे रहा है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि तालिबान में इतना दम नहीं कि वो हमारा मुकाबला कर सके, लेकिन पाकिस्तान और ISI से मिलने वाले समर्थन पर इतरा रहा है तालिबान। जी हाँ दोस्तों, बड़ा दावा कर दिया गया है इनकी तरफ से। साथ ही आपको बता दें अहमद मसूद ने भी बड़ा दावा किया है कि NRF ने पंजशीर में मार गिराया है पाकिस्तान का फाइटर जेट। जी हाँ दोस्तों, बता दें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी जेट प्लेन जिसे शेर के शावकों ने मार गिराया, रेजिस्टेंस पंजशीर के शेरों ने कर दिखाया है कमाल। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर। बात करें अगली खबर की तो अफगानिस्तान में नई सरकार के साथ साथ होगा नया झंडा, राष्ट्रगान को भी बदलेगा तालिबान। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान पर कब्जा जमाने के बाद अब तालिबान नई सत्ता के गठन के काफी करीब पहुंच गया है दोस्तों। अफगानिस्तान में नई सत्ता के ऐलान के साथ साथ तालिबान और कई चीजें बदलने जा रहा है, जिसमें अफगानिस्तान के लिए नया झंडा और नया राष्ट्रगान भी शामिल होगा दोस्तों। तालिबान अफगानिस्तान के पुराने झंडे को बदलेगा और राष्ट्रगान भी नया रहेगा। जी हाँ दोस्तों, बता दें इसी बीच तालिबान के सह संस्थापक मुल्ला बरादर को अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के नेता के रूप में बताए जाने की खबरों के बीच जबीउल्लाह ने बताया है कि मुल्ला हिवातुल्ला अंखुद ज्यादा जीवित है और जल्द ही सार्वजनिक रूप से सामने आएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां पर चीन ने ताइवान में कर दी है बड़ी घुसपैठ। 19 सैन्य विमानों ने हवाई क्षेत्र में भर दी है उड़ान, परमाणु बम गिराने वाले प्लेन भी इसमें हुए हैं शामिल। जी हाँ दोस्तों, चीन लगातार ताइवान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन कर रहा है दोस्तों। ताइवान का कहना है कि चीन के 19 सैन्य विमानों ने उसके इलाके में उड़ान भरी है, इनमें परमाणु बम गिराने वाले विमान भी शामिल है। ये घटना रविवार को दक्षिण पश्चिमी हवाई क्षेत्र में हुई है। अंतर्राष्ट्रीय चेतावनियों के बावजूद चीनी वायुसेना लगातार ताइवान में घुसपैठ कर रही है दोस्तों। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि उसने 19 चीनी विमानों को ट्रैक किया है जो एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में उड़ रहे थे, जिसके बाद इसमें सवार क्रू को चेतावनी जारी की गई है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर। मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि रडार और वहां तैनात मिसाइल सिस्टम ने भी चीनी गतिविधि के बारे में पता लगा लिया। इन विमानों में 4 H-6 बम वर्षक विमान, 10 J-16 लड़ाकू जेट और 4 सुखोई SU-30 जेट शामिल थे। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय होने वाली, जिस प्रकार से अमेरिका अगर ताइवान जाए तो चाइना को मिर्ची लग जाती है, लेकिन चाइना जब ताइवान में घुसपैठ करता है दोस्तों तो ऐसे में ताइवानियों पर क्या बीतती होगी, आप समझ पा रहे होंगे। अपना सुझाव राय जरूर दीजिएगा। बात करें अगली खबर की तो ISI की पिट्ठू होगी तालिबान की सरकार। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने आकाश से कर ली है मुलाकात के बाद सलाह। जी हाँ दोस्तों, तालिबान का कहना है कि उसने अफगानिस्तान में अपनी सरकार बनाने की तैयारियां पूरी कर ली है। इस बीच तालिबान के नेता मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने पाकिस्तान की कुख्यात खुफिया एजेंसी ISI के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद से मुलाकात कर ली है दोस्तों। खुद तालिबान ने इस बात की पुष्टि की है सरकार गठन की
प्रक्रिया के बीच आईएसआई के चीफ से तालिबान की इस मुलाकात को लेकर माना जा रहा है कि उसने नई सरकार बनाने के लिए सलाह मशविरा किया होगा। बीबीसी उर्दू की रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार को तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्ला मुजाहिद ने कहा है कि बीते सप्ताह आईएसआई चीफ काबुल पहुंचे थे। बड़ी खबर दोस्तों, इसमें पाकिस्तान का पूरा रोल निकल कर सामने आ रहा है। कुछ दिन और बीतने पर दोस्तों पाकिस्तान की पूरी हकीकत सामने आ जाएगी, लेकिन यही हकीकत इमरान खान के लिए बहुत बड़ा झोल बन जाएगा दोस्तों। और हो सकता है कि पाकिस्तान देश को ही पूरा विश्व ब्लैक लिस्ट कर दे दोस्तों, क्योंकि आतंकवाद की जड़ ही पाकिस्तान है और यहीं से सारी चीजें आतंक को लेकर फैल रही हैं दोस्तों। और सारे देशों की यानी यूनाइटेड नेशन पूरे तरीके से दोस्तों पाकिस्तान पर नजर गड़ाए हुए हैं। अगर आप भी मानते हैं कि आतंकियों का केंद्र ही पाकिस्तान है तो अपना राय सुझाव जरूर दीजिएगा दोस्तों। बात करें अगली खबर की तो इसराइल पर आतंकी हमले का बड़ा खतरा, हाई सिक्योरिटी वाली जेल से भागे 6 खूंखार कैदी, ड्रोन और हेलीकॉप्टर से तलाश शुरू कर दी गई है दोस्तों। इसराइल की गिलबोआ जेल के एक ही सेल में बंद 6 खूंखार कैदी सोमवार को अचानक यहां से भाग गए, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान शुरू कर दिया है और किसी भी हमले से बचने के लिए हाई अलर्ट पर है। पुलिस और सैन्य अधिकारियों ने बताया है कि रोश हशाना हॉलीडे के दिन जेल से भागे इन कैदियों में 4 आतंकवादी और 1 संदिग्ध आतंकी शामिल है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 400 कैदियों को शिफ्ट किया गया है। कैदी जेल में बनी सुरंग की मदद से भागे हैं। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर पंजशीर में पाकिस्तानी घुसपैठ पर भड़का ईरान, तालिबान के लिए मिलिट्री हेलीकॉप्टर उतारने पर की है जांच की मांग। बता दें पंजशीर में तालिबान के समर्थन में पाकिस्तानी एयरफोर्स के उतरने को लेकर ईरान ने सख्त नाराजगी जाहिर की है दोस्तों और पाकिस्तान के खिलाफ जांच की मांग की है। पंजशीर में पाकिस्तानी ड्रोन अटैक की ईरान ने सख्त आलोचना की है और ईरान ने कहा है कि किसी भी बाहरी ताकत के द्वारा अफगानिस्तान की जमीन पर हमला किया जाना सरासर गलत है और फौरन इसकी जांच होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, दरअसल पंजशीर में तालिबानी आक्रमण के बाद पाकिस्तान ने तालिबान के समर्थन में एयरफोर्स को उतार दिया और पाकिस्तानी एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर की तस्वीरें भी सामने आ गई हैं दोस्तों, जिसके बाद भड़के ईरान ने फौरन पाकिस्तान की जांच की मांग कर दी है। तालिबान ने दावा किया है कि उसने पंजशीर पर कब्जा जमा लिया और ऐसे में अहमद मसूद के बयान के बाद ईरान ने तालिबान को फटकार लगा दी है दोस्तों कि झूठा दावा करने की जरूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ईरान के इस बात के बाद और भड़कने के बाद तालिबान ने क्या कहा है दोस्तों। दरअसल पंजशीर के शेरों की हत्या पर घिरे तालिबान ने चल दी है नई चाल, कहा हमने नहीं उनकी जुर्रत ने उनको मारा है। जी हाँ दोस्तों, पंजशीर घाटी में नॉर्दर्न अलायंस के कमांडर और विद्रोहियों के प्रवक्ता फहीम दस्ती की हत्या पर बुरी तरह से घिरे तालिबान ने सफाई दी है। तालिबान ने अब कहा है कि पंजशीर के कमांडरों को उन्होंने नहीं बल्कि जनरल जुर्रत के लड़ाकुओं ने मारा है दोस्तों। ऐसे में बात करें अगली खबर की तो सऊदी अरब ने हूती विद्रोहियों की ओर से दागी गई मिसाइल को मार गिराया, 2 बच्चे हुए इसमें घायल। जी हाँ दोस्तों, सऊदी अरब ने यमन के हूती विद्रोहियों की ओर से दागी गई एक बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराया है और उसका मलबा दम्मान के पास एक इलाके में गिरा है, जिसमें 2 बच्चे घायल हो गए हैं। सऊदी अरब ने रविवार को बयान जारी करके ये बात बताई है। अगली खबर की बात करें तो तालिबान का पहला मास्टर स्ट्रोक सरकार गठन समारोह में अमेरिका के 6 दुश्मनों को भेजा न्योता। जी हाँ दोस्तों, तालिबान ने सरकार बनाने के लिए अपने यार देशों को न्योता भेजना शुरू कर दिया और उन्हें तालिबान की सरकार के समूह समारोह में शामिल होने का आग्रह भेजा है दोस्तों। रिपोर्ट है कि तालिबान सरकार बनाने के लिए बड़े कार्यक्रम का आयोजन करेगा और संदेश देने की कोशिश करेगा कि उसकी सरकार पहले जैसी नहीं होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, बता दे तालिबान उन 6 देशों को अपनी सरकार के निर्माण के समारोह में शामिल होने के लिए न्योता भेज रहा है दोस्तों। वो सभी के सभी अमेरिका के दुश्मन है। पंजशीर घाटी पर करीब करीब कब्जा जमाने के बाद तालिबान ने सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने पाकिस्तान, चीन, ईरान, तुर्की, कतर और रूस को निमंत्रण भेज भी दिया है दोस्तों। बड़ी रिपोर्ट, बड़ा दावा और ये सारे अमेरिका के बड़े दुश्मन है। क्या कहना चाहेंगे ऐसे में आप लोग, बताइएगा जरूर दोस्तों। बात करें अगली खबर की तो तालिबान का कट्टर चेहरा आया सामने, कक्षाओं में लड़के लड़कियों को अलग बैठा बीच में लगवा दिए हैं पर्दे। जी हाँ दोस्तों,
दोस्तों, बता दे तालिबान की वजह से यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में काफी कुछ बदल गया है अफगानिस्तान में। भारी उथल पुथल के बाद तालिबान ने यूनिवर्सिटी और कॉलेज खोलने और लड़कियों को पढ़ने की इजाजत तो दे दी है, लेकिन कई सारी शर्तों के साथ ये किया है। एक और लड़कियों को पर्दा रखने की बात कही गई है, तो अब लड़के लड़कियां क्लास में साथ भी नहीं बैठ सकते हैं। दोस्तों, लड़के और लड़कियां एक दूसरे को ना देखे इसके लिए क्लास के बीच पर्दे लगा दिए गए। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कैसे दोस्तों लड़कियां अलग बैठी है, लड़के अलग बैठे और बीच में पर्दा लगवा दिया है दोस्तों। और यही हाल पूरे अफगानिस्तान में हो रहा है दोस्तों। इस पर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया होगी जरूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि अफगानिस्तान के नागरिकों की जिंदगी तो नर्क तालिबानियों ने बना ही दी है। तो अपना कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना मत भूलिएगा। बहुत मेहनत लगती है दोस्तों वीडियो बनाने में, हमारी मेहनत को सफल करने के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। बात करें अगली खबर की तो 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिसके लिए 9 सितंबर को होगी बैठक। अगली खबर की बात करें तो गिलानी के शव पर पाकिस्तानी झंडा लपेटे जाने का मामले के बीच महबूबा ने फिर एक बार बयान दिया है दोस्तों। आज कहा शरीर के साथ किया गया है व्यवहार अनावश्यक था। जी हाँ दोस्तों, बता दे पीडीपी मुखिया महबूबा मुफ्ती ने भारत को लोकतांत्रिक देश बताते हुए गिलानी के परिवार का बचाव किया। इस मामले में महबूबा मुफ्ती ने पुलिस को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है दोस्तों। उन्होंने कहा है कि गिलानी के शरीर के साथ किया गया व्यवहार अनावश्यक था। कोई जीवित व्यक्ति से लड़ सकता है, लेकिन मृत शरीर को उदासीन उपचार नहीं मिलना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, फिर एक बार बयानबाजी महबूबा मुफ्ती की तरफ से की गई है दोस्तों। कल भी बयान आया था इनका जो भड़काऊ था, और आज वाला बयान तो और भी ज्यादा भड़काऊ है दोस्तों। क्या कहना चाहेंगे ऐसे में आप लोग जो पुलिस पर उंगली उठाती है, जवाब जरूर दीजिएगा। बात करें अगली खबर की तो तालिबान की चीन से दोस्ती के बीच दहशत में जी रहे हैं अफगानिस्तान में मौजूद उइगर मुसलमान। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान में रहने वाले उइगर मुसलमानों में भय समा गया है, यानी डर समा गया है दोस्तों। ऐसा तालिबान के चीन के प्रति दोस्ताना रुख के कारण हुआ है। इन मुसलमानों में यह डर समाया हुआ है कि तालिबान सरकार चीन को खुश करने के लिए उन्हें जबरन वापस चीन भेज सकती है, जबकि इनमें से कई मुसलमानों का कहना है कि वे सरकारी दमन से बचने के लिए चीन के शिनजियांग प्रांत से भागकर अफगानिस्तान आए थे। जी हाँ दोस्तों, बहुत बुरी स्थिति बनती नजर आ रही है दोस्तों उइगर मुसलमानों की। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर अमेरिकी सांसद का दावा तालिबान ने अभी भी कुछ अमेरिकियों को बंधक बना रखा है। जी हाँ दोस्तों, प्रतिनिधि सभा के सदस्य माइकल मैकॉल ने कहा है कि मजारे शरीफ एयरपोर्ट पर 6 विमान हैं जिनमें अमेरिकी नागरिक और अफगान ट्रांसलेटर मौजूद हैं। मैकॉल ने कहा है कि अभी तालिबान ने उन्हें बंधक बना रखा है मजारे शरीफ एयरपोर्ट पर। एक कर्मचारी ने इसकी पुष्टि की है कि अमेरिका द्वारा चार्टर किए गए कई विमान अभी भी हवाई अड्डे पर मौजूद है दोस्तों। और ऐसे में जो वार्डन की सरकार हाथ पर हाथ धर के तालिबानियों के आतंक को देखती जा रही है दोस्तों, और उनकी सराहना भी कर रही है। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं इस सुपर पावर कहे जाने वाले जो वार्डन में सबसे कमजोर देश से भी कमजोर उनके अंदर बल है दोस्तों, तो अपनी राय सुझाव जरूर दीजिएगा दोस्तों। बात करें अगली खबर की तो केरल हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, 4 हफ्ते में दूसरी खुराक चाहने वालों को उपलब्ध करवाएं कोरोना की वैक्सीन। जी हाँ दोस्तों, बात करें अगली खबर की तो उत्तर प्रदेश से खबर, जहां डेंगू व वायरल की रोकथाम के लिए फिरोजाबाद, मथुरा और आगरा में काम करेंगी विशेषज्ञों की टीमें। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है कि फिरोजाबाद में डेंगू व अन्य वायरल बीमारियों की रोकथाम के लिए अतिरिक्त बेड, चिकित्सक, पैरा मेडिकल स्टाफ, दवाइयां, जांच उपकरण आदि की व्यवस्था की गई है। आवश्यकता अनुसार इसमें और बढ़ोतरी की जाएगी। जनपद की स्थिति पर 24 घंटे 7 दिन नजर रखी जाएगी दोस्तों। बात करें अगली खबर की तो पीएम आवास योजना से जुड़ी बड़ी खबर, जहां पर इसके तहत 16,488 घरों के निर्माण को मिल गई है मंजूरी। आप भी आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत केंद्र सरकार ने शहरी क्षेत्रों में 16,488 घरों के निर्माण के प्रस्ताव को हरी झंडी दिखा दी है। मंत्रालय की तरफ से बयान जारी करके ये जानकारी दी गई है। दरअसल केंद्र सरकार पीएम आवास योजना के तहत बेघर लोगों को घर बनाकर देती है। इस योजना में उन लोगों को सब्सिडी भी मिलती है जो लोग लोन पर घर या फ्लैट खरीदते हैं। सरकार की केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति के 54वीं बैठक में यह फैसला लिया गया है दोस्तों। आपको बता दें कैसे आप प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन कर पाएंगे दोस्तों, स्क्रीन पर हमने दिखाया होगा आपको, आप देख पा रहे होंगे। ऐसे में पीएम आवास योजना ग्रामीण में आवेदन के लिए आप अपने मोबाइल से सरकारी
एप्लीकेशन डाउनलोड करके लॉग इन आई डी बना सकते हैं दोस्तों। उसके बाद अब ये एप्लीकेशन आपके मोबाइल नंबर पर एक वन टाइम पासपोर्ट भेजेगा। इसकी मदद से लॉग इन करने के बाद आप आवश्यक जानकारियां दर्ज करेंगे, जिसके बाद PMAYG के तहत घर पाने के लिए आवेदन करने के बाद केंद्र सरकार लाभार्थियों का चुनाव करती है। इसके बाद लाभार्थियों की फाइनल लिस्ट PMAYG के वेबसाइट पर डाल दी जाती है। दोस्तों आप ये ट्वीट भी देख पा रहे होंगे, ऐसे में बड़ी खबर थी। साथ ही किसको मिलता है इस योजना का लाभ, साथ ही इस योजना में कितना अमाउंट मिलता है दोस्तों, और कितने कितने महीनों पर कितना मिलता है, हर तरह की जानकारी हमने स्क्रीन पर दे दिया है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे। अगर ना समझ में तो कमेंट जरूर करिएगा, आपको वही जवाब दे दिया जाएगा दोस्तों। बात करें अगली खबर की, तो करनाल में किसानों का प्रदर्शन होगा कल यानी आज। धारा 144 लागू कर दिया गया है। विज बोले शांति बनाए रखना किसान नेताओं की जिम्मेदारी है। जी हाँ दोस्तों, करनाल में 28 अगस्त को किसानों पर हुए लाठी चार्ज के विरोध में किसान संगठनों ने 7 सितंबर यानी आज के दिन मिनी सचिवालय के घेराव का ऐलान कर दिया। इससे एक दिन पहले सोमवार को करनाल में धारा 144 लागू कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहाँ पर योगी सरकार का एक और बड़ा कदम, बस शुरू होने वाली है ये नई सेवा, सब कुछ है इसको लेकर तैयार। जानकारी के अनुसार बता दें, हेलीकॉप्टर टैक्सी की सेवा इसी साल दिसंबर से शुरू होने वाली है दोस्तों। प्रदेश के प्रमुख टूरिस्ट प्लेस को जोड़ने के लिए ये टैक्सी सेवा शुरू होने जा रही है, जो हेलीकॉप्टर द्वारा होगी। अब यूपी आने वाले टूरिस्ट को इस सुविधा का लाभ मिल सकेगा। कोरोना महामारी को देखते हुए लोग भीड़ भाड़ से बचने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, और ऐसे में ट्रैफिक से भी जाम से बचने के लिए दोस्तों वो ट्रांसपोर्ट यानी रोड ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, और ऐसे में हेलीकॉप्टर टैक्सी को एक बेहतर विकल्प के रूप में देखा जा सकता है। और सबसे पहले उत्तर प्रदेश में ये सेवा शुरू होने वाली है दोस्तों। ऐसे में योगी जी को लेकर आपकी क्या राय, सुझाव होगी उनके कामों को लेकर बताइएगा जरूर, और आपके हिसाब से कौन आने वाला है दोस्तों अगले चुनाव में उत्तर प्रदेश में, कौन बनने वाला मुख्यमंत्री, जवाब सुझाव जरूर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों, कल से ही स्लीपर क्लास के टिकट पर एसी कोच में कर पाएंगे यात्रा। जी हाँ दोस्तों, बता दें रेल सफर करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी की खबर। दरअसल इंडियन रेलवे के उत्तर मध्य रेलवे के सस्ते एसी 3 टीयर इकोनॉमी कोच का संचालन कल से ही शुरू हो गया है दोस्तों। ट्रेन नंबर 024-03, 024-04 प्रयागराज जयपुर प्रयागराज डेली स्पेशल एक्सप्रेस में कल से सस्ते एसी 3 टायर इकोनॉमी कोच का संचालन शुरू हो गया है। नए एसी कोच में कन्वेंशनल एसी 3 टायर में कोच में 72 की जगह 83 सीट है। रेलवे ने बताया कि इन कोचों में किराया भी सामान्य एसी 3 टायर के कोच से कम होगा। जी हाँ दोस्तों, एसी 3 कोच से 10% तक किराया कम रहने वाला है दोस्तों, बड़ी खबर। अब आप स्लीपर के चार्ज में ही एसी 3 में सफर कर पाएंगे, बड़ी खबर थी दोस्तों। अगर आप बिल मानते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत जरूरी थी और हमने सही सही इन्फॉर्मेशन आपको दी है दोस्तों, इसीलिए हम स्क्रीनशॉट स्क्रीन पर दिखाते हैं दोस्तों, जिससे आपको भी यकीन हो। और यहाँ फेक खबरों का कोई कारोबार नहीं है दोस्तों, ऐसे में हमारे इस सच्चाई के लिए और आप तक खबरें पहुंचाने के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है दोस्तों, कृपया करके लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट, और ऐसे में ये सारी खबरें थी दोस्तों। आपको हमारी खबरें कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों बने रहने के लिए। जय हिंद।